फोर हाई रोल मिलिंग और सिक्स हाई रोल मिलिंग और 12 यानी कि 12 हाई रोल, 24 हाई रोल मिल जैसा भी है, तो इधर 12 हाई रोल एंड 24 हाई रोल मिलिंग, ये 4, 6, 12 एंड 24 ये चार और हैं। इसमें क्या होता है, जो फोर हाई रोल मिलिंग होता है इसमें दो कम व्यास का रोलर लगा रहता है और दो ज़्यादा। इससे क्या होता है, दो कम और दो ज़्यादा का सेटिंग करने से ये होता है कि उसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो रोल मिल में नहीं होता है। किस तरह से, कुछ इस तरह से, ये दो छोटे हैं और सॉरी दो छोटे हैं और दो बड़े हैं, इस तरह से आप लोग को दिख रहा है, दो बड़े और दो छोटे, ये दो है, यही आप लोग का फोर रोल मिल हाई है, फोर हाई रोल मिलिंग है। इसी प्रकार ठीक सिक्स हाई रोल मिलिंग, सिक्स हाई रोल मिलिंग में क्या होता है, छह रोलर का यूज होता है जिसमें चार बड़े रोलर होते हैं और दो छोटे रोलर होते हैं। जो चार बड़े डायमीटर वाले रोलर होते हैं वो बैकअप सपोर्ट के लिए होते हैं और जो दो रोलिंग मिल होते हैं, दो दो छोटे रोलर होते हैं वो सामान्यतः रोलिंग मिल में प्राप्त करने के लिए यूज होते हैं। किस तरह से, कुछ ऐसा है इसका डायग्राम, ये एक दो तीन चार बड़े रोलर हैं और बीच में दो छोटे रोलर हैं, ये यहाँ से मेटल पास होता है और यहाँ से रोल्ड प्लेट भी या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो हमको मिलता है। इस तरह से टू रोल मिल और थ्री रोल मिल के बाद से हम लोग का फोर और सिक्स भी हो गया, और इसी तरह आप लोग का 12 हाई बेल स्टैंड होता है, यानी कि ये 12 है ना, 12 रोलर्स वाले मिल में भी यूज होता है। इसके लिए हम लोग पतली स्ट्रिपों का निर्माण के लिए यूज किया जाता है और जो हार्ड मटेरियल होता है वो कार्बन का बना होता है। इन बेलों के बीच जो उच्च कार्बन के 5 से 50 माइक्रोन मोटाई तथा 100 से 1000 टॉलरेंस वाले माइक्रोन की उपलब्ध की जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है, ये लिमिट दिया हुआ है कि ये इतना थिकनेस का हो सकता है, ये टॉलरेंस, ये बियरिंग कैपेसिटी 1 से 5 माइक्रोन तक की हो सकती है। ये आप लोग का 12 रोलिंग मिल में यूज होता है। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है इसका, एक दो तीन बड़े ऊपर में रोलर है और तीन छोटे, इसी तरह 6 नीचे में और 6 ऊपर में और रोलर, इससे हाई लेंथ का हमको रोलिंग वायर को मिलता है। कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि यही आप लोग का रोल, यही आप लोग का होता है यूज। इस तरह से 2, 4, 3, 4, 6 और 12 इम्पोर्टेंट रोलिंग मिल में यही है।